नमस्ते, आप सभी का स्वागत है कार देखो पर, जहां पे हम आपकी मदद करेंगे टू पिक द राइट कार राइट नाउ। सही गाड़ी अभी ही ढूंढेंगे और आज हम बात कर रहे हैं Hyundai की नई क्रेटा के बारे में, जो 2018 में फेसलिफ्ट की गई है। इसमें अब कुछ नए फीचर्स हैं और उसके वेरिएंट भी बदल गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही होगा। Before we proceed, do click on the subscribe button and the bell icon to stay up to date with all our latest videos. अब क्रेटा का जो बेस वेरिएंट है वो है ई वेरिएंट। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, मगर ये कोई छोटा पेट्रोल इंजन नहीं है, ये 1.6 लीटर दमदार पेट्रोल इंजन है। और इसको अगर आप बाहर से एक झलक देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसके डोर हैंडल्स, ORVMs, जो बाहर के जो रेव्यू मिरर्स होते हैं, वो सब बॉडी कलर्ड ही है। और आप इसके स्किड प्लेट्स भी देखेंगे तो ये सिल्वर फिनिश में है, जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं वैसे ही। अगर यहाँ कोई एक मेन मिस है तो वो है कि यहाँ पे एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। और अगर अंदर बैठे और फीचर्स देखें तो सबसे पहले ये समझ में आएगा कि बेसिक सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे कि ड्यूल एयरबैग्स और ABS, मगर आइसोफिक्स माउंट्स चाइल्ड सीट्स के लिए जो पीछे होने चाहिए वो यहाँ नहीं मिलते, और काफ़ी सारे क्रेटा के वेरिएंट्स में ये आपको नहीं मिलेंगे। और अगर फीचर्स में देखा जाए तो ड्राइवर की सीट में सीट हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल है और टिल्ट स्टीयरिंग भी अवेलेबल है, जिससे छोटे कद के ड्राइवर्स भी अच्छी सीटिंग पोजीशन आसानी से पा सकते हैं। सो क्रेटा के ई वेरिएंट में और क्या फीचर्स हैं? इसमें है मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम विथ रियर AC वेंट्स, ऑल फोर पावर विंडोज, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड मैनुअल डे नाइट IRVM। तो क्रेटा ई वेरिएंट क्या मिस करता है? वो है म्यूजिक सिस्टम। इसमें कुछ भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, और जो ORVMs है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है। तो क्रेटा एक बड़ी प्रीमियम SUV जरूर दिखती है, मगर अंदर से ई वेरिएंट उतना प्रीमियम फील नहीं करता। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी क्रेटा पेट्रोल वेरिएंट की तलाश है तो ई वेरिएंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ई प्लस वेरिएंट के लिए आपको करीबन 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और इसमें आप ई वेरिएंट में अपने चाहते फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आते हैं E प्लस वेरिएंट पे, और इसमें आपको पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन डीजल जो यहाँ पे है वो है 1.4 लीटर, ना कि 1.6 लीटर। पहले देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है। बाहर से अगर देखा जाए तो LED टर्न इंडिकेटर्स अभी ORVMs पे लगे हैं, और जो ORVMs है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। आपको बूट में एक लैंप मिलता है, और दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आपको 4 स्पीकर्स भी मिलते हैं। अगर पेट्रोल वेरिएंट देखें तो इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आता है 5-inch टच स्क्रीन सिस्टम विथ USB कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसमें 1GB इंटरनल मेमोरी स्टोरेज के लिए भी है, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा 4 स्पीकर्स के साथ साथ आपको 2 ट्वीटर्स भी इक्विपमेंट में मिलते हैं। कन्वीनियंस के लिए आपके पास सामने में एक USB चार्जिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा मैप लाइट है, इंस्ट्रूमेंट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, और सनग्लास होल्डर भी शामिल है। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, आप ई वेरिएंट प्रेफर करेंगे या ई प्लस वेरिएंट? हमें बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप डीजल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो कॉमन फीचर्स के अलावा डीजल में आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, वो है सामने का पावर आउटलेट। तो अगर आप क्रेटा का डीजल वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो ये बेस वेरिएंट तभी आपके लिए हो सकता है जब आप आफ्टर मार्केट फीचर्स ऐड करने के लिए तैयार हो, वरना आपको S वेरिएंट देखना पड़ेगा। अब आते हैं S वेरिएंट पे, और ये मिलता है सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ। एक है 1.4 लीटर डीजल विथ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 1.6 लीटर डीजल विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब पहले देखते हैं ये दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है। बाहर से देखा जाए तो दोनों में मिलते हैं 16-inch एलॉय व्हील्स विथ LED DRLs एंड रूफ रेल्स, मगर अभी भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ शामिल नहीं है। और आप जब अंदर बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई प्लस पेट्रोल वेरियंट के जो सब फीचर्स हैं वो यहाँ अब S वेरियंट में अवेलेबल हैं,
जैसे कि 5-inch touchscreen infotainment system with USB Bluetooth connectivity, 1GB internal storage और steering mounted audio controls. इसके अलावा यहाँ पे 4 speakers के साथ साथ आपको 2 tweeter भी मिलेंगे, USB charger है सामने, backlight adjustment for the instrument cluster, a front map light, sunglass holder और यहाँ पे एक extra addition जो है important है काफी, क्योंकि आपको मिलता है rear camera with reverse parking sensors and rear defogger. और अगर आप पीछे बैठते हैं Creta के S variant में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा rear armrest with cup holders, a rear power outlet और adjustable rear headrest. इसके अलावा S variant में थोड़े जो extra convenience features हैं, वो है जैसे कि rear parcel tray और luggage net. तो अगर आप एक Creta diesel ढूंढ रहे हैं, तो S variant आज के ज़माने में perfect रहेगी. मगर आपको अगर petrol चाहिए, तो उसके लिए आपको SX variant देखना पड़ेगा. अब आते हैं Creta के SX variant में, और यहाँ पे आपको काफी सारे options मिलेंगे, जैसे कि petrol automatic, petrol manual, diesel automatic, diesel manual और dual tone options भी. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको automatic transmission चाहिए है, तो ये variant आपके लिए top end variant होगा. और prices देखी जाए, तो petrol variant जो है SX का, वो करीबन 2 lakh rupees ज़्यादा महंगा है E plus variant के comparison में. और जो diesel variant है, वो करीबन 1.5 lakh rupees से ज़्यादा महंगा है S variant के comparison में. अगर prices देखें, तो SX petrol करीबन 2 lakh rupees से ज़्यादा महंगा है E plus variant के बराबरी में. और diesel variant जो है, वो करीबन 1.5 lakh rupees से ज़्यादा महंगा है S variant के बराबरी में. और अगर आप dual tone option choose करें, तो उसके लिए आपको 50,000 rupees और देने पड़ेंगे. आइए देखते हैं आपके रुपयों के लिए आपको क्या मिलेगा. पहले ये देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस में कॉमन फीचर्स क्या है. बाहर से देखें, तो आप पहले ये नोटिस करेंगे कि ग्रिल अब ब्लैक एंड क्रोम कॉम्बिनेशन की है, और हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद कॉर्नरिंग लैम्प्स एंड LED पोजीशन लैम्प्स. इसके अलावा अलॉय व्हील्स जो अब अवेलेबल है, वो 16 या 17 inch के हैं. 17 inch वाले डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं. इसके साथ साथ पावर फोल्डिंग मिरर्स भी मिलते हैं. और गाड़ी में बैठते समय आप नोटिस करेंगे कि डोर सिल पर मेटालिक स्कफ प्लेट्स भी हैं. आपको स्मार्ट की भी मिलेगी विद पुश स्टार्ट फंक्शनैलिटी. और अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम अब एक 7-inch सिस्टम है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक एंड नेविगेशन. इसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है अब वो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है. अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चूज करेंगे, तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, जैसे कि 17-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड एन इलेक्ट्रिक सनरूफ. और अगर सेफ्टी फीचर्स देखें, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही आपको रियर आइसोफिक्स माउंट्स मिलेंगे. इसके अलावा 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स भी सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है. ये काफी अजीब लगता है कि स्प्लिट रियर सीट और आइसोफिक्स माउंट्स Hyundai ने दूसरे वेरिएंट्स में नहीं दिया. अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही चाहते हैं, तो आपको थोड़ा तो बुरा लगेगा कि टॉप एंड SXO वेरिएंट, जिसमें लेदर सीट्स और एडिशनल सेफ्टी फीचर्स हैं, वो ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ अवेलेबल नहीं है. अब आते हैं ड्यूल टोन ऑप्शन पे. इसके लिए आपको करीबन 50,000 rupees एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. मगर इसके लिए आपको क्या मिलता है? वेल, ऑब्वियसली आपको एक कॉन्ट्रास्ट कलर रूफ मिलेगी, जो है पियानो ब्लैक कलर में. इसके अलावा 17-inch के डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट में भी उपलब्ध है. और अंदर भी आपको ये ड्यूल टोन थीम दिखाई देगी, जैसे कि डैशबोर्ड जो काला है, उसमें आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिखाई देंगे. और अगर आप स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब और सीट देखेंगे, तो इनमें भी आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और कॉन्ट्रास्ट कलर पैनल्स दिखाई देंगे. अब Creta का जो SX वेरिएंट है, ये महंगा ज़रूर है, मगर इसमें आपके मन चाहिए सारे फीचर्स शामिल हैं. तो अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. मगर आप मैनुअल वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि SXO वेरिएंट जरूर देखिएगा. SXO वेरिएंट खरीदने का एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन वो बताने के पहले हम ये जरूर कहेंगे कि SXO वेरिएंट में एक बड़ा मिस भी है, और वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस यहाँ पे शामिल नहीं है.
तो SXO वेरिएंट खरीदने का कारण क्या है? सेफ्टी फीचर्स। इसके अलावा इसमें कुछ फील गुड फीचर्स भी शामिल है। सबसे पहले सनरूफ, जो SX वेरिएंट में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल था। इसके अलावा अब आपको सीट्स मिलेगी लेदर रैप्ड, द सेंटर आर्मरेस्ट, द डोर आर्मरेस्ट, ये सब भी लेदर रैप्ड रहेंगे। और ड्राइवर सीट जो है सिक्स वे पावर एडजस्टेबल है। ड्राइवर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सुपर विजन क्लस्टर है, जो दिखने में बेहतरीन है। इसके अलावा स्मार्ट की बैंड और वायरलेस फोन चार्जर भी SXO वेरिएंट में मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी फीचर्स। और आपको SXO वेरिएंट में मिलते हैं साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, और तो और आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिलता है। इसके अलावा कुछ और कन्वीनियंस फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स और लेन चेंज फ्लैश एडजस्टमेंट। तो SXO वेरिएंट के लिए आपको करीबन 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मगर आपके लिए अगर सेफ्टी प्रायोरिटी है तो ये वेरिएंट आपके लिए बहुत सेंस बनाएगा। तो ये थे क्रेटा के सारे वेरिएंट्स और फीचर्स। अब देखते हैं क्रेटा के टेक्निकल डिटेल। ये वीडियो देखने के लिए कार देखो की ओर से धन्यवाद। और अगर हमने आपकी सहायता की हो क्रेटा का वेरिएंट डिसाइड करने के लिए, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन सा वेरिएंट आपने चूज किया। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए तो हमें आगे और सवाल जरूर पूछिएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए कार देखो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।